हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। माय नेम इज सचित। सो अभी मैं खड़ा हूँ कजान फेडरसिटी के मेन कैंपस के सामने। सो इस वीडियो में हम आपको कजान फेडरसिटी के मेन कैंपस का टूर देंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेज लगती है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में लगती है एमबीबीएस की क्लासेज, और जो और डिपार्टमेंट्स है जो यहाँ पे कजान फेडरसिटी, और भी अलग अलग कोर्सेज है, काफ़ी सारे कोर्सेज जो कि कजान फेडरसिटी में पढ़ाए जाते हैं। सो उनके भी डिपार्टमेंट्स हम आपको दिखाएंगे। सो जो बेसिकली जो मेन कैंपस है पूरा कजान फेडरसिटी का, वो आज हम कवर करेंगे, और जो हॉस्पिटल्स है मेन कैंपस के साथ जो कि यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस वन इज द मेन बिल्डिंग यू ऑल्सो सी इन वीडियोज एंड फोटोज व्हेन यू सर्च फॉर कजान फेडरसिटी ऑनलाइन। एंड इन फ्रंट ऑफ दिस देर इज ऑल दिस इज द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये जो सामने, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, इस सामने जो डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज के डिपार्टमेंट्स हैं। सो नाउ वी आर इनसाइड द मेन कैंपस ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। दिस बिल्डिंग यू आर सीइंग राइट हियर, दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी। एंड सो हम पीछे आ गए, जो हमने वीडियो जहाँ से स्टार्ट की थी, जिस मेन बिल्डिंग के सामने से, उसके बिल्कुल पीछे है। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये आपने काफ़ी सारे जगह पे ऑनलाइन आपने कजान स्टेट मेडिकल सिटी की बिल्डिंग की तरह देखा होगा ये वाली, लेकिन ये पार्ट है कजान फेडरल सिटी के कैंपस का, ना कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। सामने मेरे जो बिल्डिंग है वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इंग्लिश में बुक्स मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है, वहाँ पे बुक्स जो है वो काफ़ी सारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है, लेकिन वो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स होती है, इंडियन ऑथर्स की बुक्स नहीं मिलती है। सो अगर आपको इंडियन ऑथर की बुक से पढ़ना है अपनी जो सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस के, वो अगर आपको इंडियन ऑथर की बुक से पढ़ना है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, और अगर आपको इंटरनेशनल ऑथर से पढ़ना है तो वो आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी मिल जाएगी। दैट लार्ज बिल्डिंग यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। सो दिस बिल्डिंग इज द मीटियोरोलॉजिकल, जिसकी लाइक मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये बिल्डिंग जो आप मेरे सामने देख रहे हो, सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट। सो एज यू कैन सी इट इज रिटन इन रशियन लैंग्वेज एनाटॉमी चिस्की थियेटर, and over here it is written in English as well. So this one is the Museum of Anatomical Theatre. So this building also, this is the Institute of Ecology. And this is the Central Park. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, इसमें काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, लाइक अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है। सो फेडरल यूनिवर्सिटी जो है उसके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जो मेडिसिन कोर्स होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, फंडामेंटल मेडिसिन जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नेम है। सो उस इंस्टीट्यूट में जो है मेडिसिन की कोर्सेज होते हैं, और ये जो पूरा कैंपस है यहाँ पे
सभी अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट्स। हमने वीडियो जहाँ से स्टार्ट की थी उसके पीछे भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्डिंग्स दिखाए थे, जो कैंप कॉर्पस दिखाए थे, वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट का ही पार्ट है। अभी कुछ टाइम बाद हम चलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन, जहाँ पे MBBS कोर्स होता है। सो लेट्स गो। So right now I am standing at the front of Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan University का जो institute है जहाँ पर MBBS course होता है। So this is that institute जो हमने आपको पहले main campus दिखाया था, उसमें अलग अलग institute के departments थे और वहाँ पर सिर्फ anatomy museum था। So ये जो अभी आप department देख रहे होगे, जो institute देख रहे होगे, ये fundamental institute है, medicine का institute है, जहाँ पे MBBS कोर्स यानी जनरल मेडिसिन कोर्स होता है। एज यू कैन सी ऑल दिस बिल्डिंग्स यू सी हियर आर द पार्ट ऑफ Institute of Fundamental Medicine and Biology of Kazan Federal University. You can see over here as well, it is written in both English as well as in Russian language. So जितने भी classes होती है, जो non-clinical subjects की classes होती है, वो इसी institute में लगती है, और जो clinical subjects होते हैं, जो कि third year के बाद से start होते हैं, उनकी classes hospitals में लगती है। So that was the campus of Kazan Federal University. अपने आने वाली वीडियोस में हम आपको यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल्स देंगे, लाइक एजुकेशन, क्लिनिकल रोटेशंस, और एक और फैक्टर विच इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या रहता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इन टॉपिक्स को भी हम अपने आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आपको अलग यूनिवर्सिटीज़ का हम कैंपस टूर देंगे, और रशिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको रशिया आने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।